ऑक्सीजन की कमी हो गई लगता है। बेहोश हो गया है भाई, सांसें तो चल रही है लेकिन बेहोश हो गया बिल्कुल ही। बिल्कुल ही बेहोश हो गया है। हेलो जी, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपको अरुण की यात्रा में। मेरा नाम है अरुण और मैं केदारनाथ की अपडेट देता हूं। अभी मैं हूं केदारनाथ के दरबार में और आज की मौसम की बात की जाए तो भाई देख सकते हो पहाड़ के ऊपर कितना भाई फोग जमा हुआ है और पहाड़ के ऊपर बर्फबारी हुई है आज रात में बहुत सारी। लेकिन यहाँ पे भी रात में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी लेकिन आज का जो सुबह का मौसम है लगभग सुबह का 8 बज रहा है, इतना अच्छा मौसम। देखो हमारे सूर्य महाराज निकल चुके हैं और आज का जो क्लाउड है, जो भीड़ है वो बहुत आई है। बाबा के जो भक्त ना बहुत आए हुए हैं आज। बाकी ये देखो, और पहले तो आप भीमशिला के दर्शन कर लो और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। चलो पहले बाबा के आपको दर्शन कराते हैं। एंड जो चोराबारी है ना, इसमें बहुत ही रात में भाई इसमें फॉल हुई है, बर्फबारी भी है। और देखो जो बादल जम रहे हैं ना वहाँ पे अभी हो रही है स्नोफॉल। बाकी कैंप में भाई रात में सोए थे तो बहुत ठंडी आई, पूरा पानी पानी हो गया। बाकी अगर आपको सोना है, कम पैसे में आपको यहाँ रहना है तो आप ऐसे कैंप लेके आ सकते हैं। तो चलिए आपको अब लेके चलते हैं बाबा के मंदिर के पास, आपको बाबा के दर्शन कराएंगे। और आप लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो है गाइज, चलो पहले तो आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन करो और भीमशिला के भी दर्शन करो और इन महापुरुषों के भी दर्शन करो जो यहाँ पे 6 महीना रहते हैं और सबके तिलक लगाते हैं। भीड़ तो आज इतनी है, बहुत सारी भीड़ आई है आज। बाकी देखो सभी लोग बैठे हुए हैं, इनकी आप आओगे तभी इनका पेट चलेगा। आप जो भी दान दक्षिणा दोगे तभी इनका पेट चलेगा, नहीं तो इनको कोई भी यहाँ पैसे देने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों ये देखो जो ये जल है ना, ये अमृत जल बोला जाता है। अगर आप यहाँ आए तो यहाँ से जलो एक बार जल लेके जरूर जाएं क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के अंदर से आता है। और आज जो भीड़ है भाई बहुत ही सारी भीड़ आई हुई है क्योंकि अब कपाट बंद होने के कम ही दिन रह गए हैं ना। अब कपाट बंद होने के ओनली 14 से 15 दिन रह गए हैं। बाकी देख सकते हैं कितना भीड़ यहाँ पे आ गया है, अभी क्लाउड कितना है। बाकी ये देखो भाई चलिए दोस्तों अब हम आपको कराते हैं बाबा भोलेनाथ के फ्रेंड साइड से दर्शन। ये देखिए गाइज, पहले तो आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर लो। हर हर महादेव। ऐसे दर्शन सब किसी को नसीब नहीं होते मेरे दोस्तों। ये यहाँ पे 6 महीने यहीं पे बाबा जी रहते हैं, आपको यहीं पे मंदिर में देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप नन्ही महाराज के दर्शन करने आओगे तो यहाँ एक बार जरूर आना। बाकी जो भीड़ है वो बहुत सारी भीड़ है आज क्योंकि आज से मात्र 14 दिन के बाद बाबा केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाएंगे। सो ये गाइस ये देखो, यहाँ से आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। ये लाइन से लगी है, बाकी कितना भाई भयंकर लाइन लगा हुआ है। ये देखो ये प्रसाद मिल जाएगा यहाँ पे आपको।
एंड यहाँ से वहाँ तक पूरा भाई लाइन लगा है। ये लाइन लगभग 4 से 12 बजे तक अंदर गर्भ गुफा के दर्शन होते हैं। 12 बजे के बाद में बाहर से दर्शन आपको कराए जाएंगे और ये सभी गर्भ गुफा के दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। देख सकते कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। बाकी देखो कितना भीड़ है और ये जो लाइन लगाई गई है यानी जो आपके केदारनाथ की तरफ से जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है वो बहुत ही अच्छी है। बाकी देखो लाइन बस से प्रसाद भी आपको मिल जाएगा, प्रसाद ले लो आराम से दर्शन करते जाओ। बाकी देखो चोराबारी पे इस टाइम पे भी बर्फबारी हो रही है कि ऊपर जो बादल है ना वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। ये देखो भाई कितना अच्छा यहाँ पे व्यू आ रहा है। बाकी आज का मौसम भी बहुत प्यारा है। ये देखो अगर आप मंदिर से जैसे 500 मीटर नीचे आओगे वैसे ही आपको यहाँ पे एक ओम मिलेगा जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट है और बहुत ही अच्छा भाई यहाँ पे लुक आ रहा है। यहाँ पे इतनी अच्छी जगह पे लगाया गया है, देखते भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके एक बार दर्शन जरूर करें और यहाँ से मात्र मंदिर 500 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी चोराबारी भी यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखता है। बाकी ये देखिए यहाँ का कितना भाई वेदर अच्छा आ रहा है, ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी अभी जो यहाँ काम चल रहा है जो केदारनाथ का काम चल रहा है, बाकी ये देखो नया ब्रिज बनाया जा रहा है। जब ये नया ब्रिज बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा भाई हो जाएगा, लोगों को 2 किलोमीटर घूमना बच जाएगा। बाकी ये देखो यहाँ पे हेलीपैड है जो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हेलीपैड है और यहीं पे बाबा बर्फानी जी का आश्रम है। तो ये देखें ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। और जैसे ही आप बाबा बर्फानी जी के आश्रम में जाना चाहते हो तो ये देखो ये श्री रामानंद आश्रम, ये है ललित महाराज जी का आश्रम। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं और आगे। बाकी सभी को हर हर महादेव। ये है मेन लाइन जो कि बाबा केदारनाथ के लिए दर्शन करने के लिए यहीं से आपको जाना पड़ेगा, यहीं से एंट्री होती है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और ये देखो ये है मंदाकिनी रिवर, जैसे जो मंदाकिनी रिवर जाती है ना जो रुद्रप्रयाग में मिलती है जाके, वो यही मंदाकिनी रिवर है। बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ का और यही वो ब्रिज है जो बाबा बर्फानी जी के आश्रम में जाता है। तो अगर आप बाबा बर्फानी जी के आश्रम में जाना चाहते हैं तो एक बार सेवा जरूर करें जाके। और गाइज अगर आपको हेलीपैड की सुविधा लेनी है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हेलीपैड चलते हैं और अभी हेलीपैड आ भी रहे होंगे। ये देखो ये रहे, अगर आपको हेलीपैड की सुविधा चाहिए तो आपको यहाँ आना होगा और यहीं से आपको ऑनलाइन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद आप यहाँ से जा भी सकते हैं। बाकी यहाँ का जो मौसम ख़राब होता है तब ये हेलीपैड की सुविधा बंद हो जाती है। बाकी अभी यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा है। दोस्तों अभी यहाँ पे एक लगता है आज इस भाई की ऑक्सीजन की कमी से अब दिक्कत हो गई है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा लगता है कि ना सांसें चलना बंद हो गई हैं। चलो दिखाते हैं, बाकी आप लोग आए तो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत लेके आए साथ में। देखो दोस्तों यहाँ पे एक भाई है जिसकी तबीयत डाउन हो गई, बहुत बेहोश हो गया है। ऑक्सीजन की कभी हो गई लगता है, इसके साथी कौन है यार? चलो चलो लेके चलो चलो
बेहोश हो गया है भाई, सांसें तो चल रही हैं लेकिन बेहोश हो गया बिल्कुल ही। बिल्कुल ही बेहोश हो गया है। तो भाई मैं तो मंदिर से बाहर चलाया क्योंकि वहां पे पुलिस वाले और आर्मी वाले आ गए थे, किसी को वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। बाकी जो भाई की तबीयत इतनी गंभीर हो गई है, मुझे नहीं लगता कि भाई बच जाएगा। बाकी राधा रानी की कृपा हो और मेरे महादेव की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है, वो तो देवों के देव महादेव है ना। तो गाइज आज भी अगर केदारनाथ आएँ तो ऑक्सीजन साथ में लेके आएँ, अगर आपके ऑक्सीजन की कमी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन तो है। लेकिन उस भाई को पता नहीं क्या हो गया, एकदम से गिर पड़ा, एकदम से होश ही नहीं, दांत ही नहीं खुल रही है, सांस भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। बाकी ये देखो आज का मौसम कितना प्यारा है और पूरा केदार घाटी में मौसम फिर से चेंज हो चुका है, बादल आ चुके हैं। बाकी अभी हम हैं केदारनाथ में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लो प्रेस, ताकि आपके पास केदारनाथ की पल पल की अपडेट आती रहे। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए हर हर महादेव।